संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज करनाल के अंबेडकर चौक पर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। देश के संविधान में दिए गए बाबा साहब के योगदान को इनेलो पार्टी द्वारा याद किया गया। इस मौके पर किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मजूरा, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह संधू, जिला अध्यक्ष यशवीर राणा, सोनिया गिल, जशपाल पुनिया, ओम प्रकाश सलूजा व कृष्ण कुटेल समेत बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर इनेलो नेताओं ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के संविधान निर्माता थे और उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके बलबूते पर ही आज देश प्रगति की ओर अग्रसर है। बता दें कि आज पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और देश की तरक्की में दिए गए उनके योगदान को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई गई और करनाल के अंबेडकर चौक पर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूरे भारतवर्ष के अंदर इन्हें माल्यार्पण करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज भी इनके दिखाए रास्ते कदम पर भारत को दिशा मिल रही है, गाइडलाइन मिल रही है, जिस पे इन्होंने संविधान लिखा था उसी संविधान के आज भारतवर्ष का नाम दुनिया के अंदर है। जो इन्होंने रास्ता दिखाया था आज हम उसी कदम पर चल रहे हैं और ये सर्व समाज के थे, न किसी जाति विशेष के, हर आदमी इनको इस दिन सलाम करता है। बाबा साहब बड़े दूरदर्शी थे, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले जो आगे आने वाली समस्याओं का उन्होंने संविधान के मार्फत उनका हल लिख दिया था। तो वो सारे समाज के थे, उनको लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। उन्होंने समाजवाद का, इंसानियत का संदेश दिया। आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो जन जन की हाथों में एक ताकत दी है, एक पावर दी है संविधान के माध्यम से, उस संविधान के माध्यम से ही आज हम लोकतंत्र में विजयी होते हैं। अगर इस संविधान में थोड़ी सी भी त्रुटि होती तो आज यहाँ साम्राज्यवाद पैदा हो गया होता, जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं। परंतु बाबा साहब ने जो संविधान को गठित किया है वही एक सच्चा लोकतंत्र है और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा ही लोकतंत्र का मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया है, बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किया है और हम किसी भी से अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब के कदमों पर चले। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वें जन्मदिन की पूरे देश और प्रदेश को मैं बधाई देते हुए आज यहाँ जो जन उल्लास हम देख रहे हैं, आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। जो महिलाओं को आज उन्होंने अधिकार दिया पढ़ने का, लिखने का, आज जो हम वोट डाल के आज हम देश के लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। आज जो देश का संविधान, जिसमें हम पूरा न केवल देश, पूरा प्रदेश, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी एक पहचान है, उसको बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अगर उनकी उपलब्धियों को हम गिनाने लगें तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने जो देश प्रदेश दुनिया को दिया वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज बाबा साहब अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन पर हम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर और उनके सिद्धांतों पर प्रेरणा इस समाज को दी और सभी को दी, इस सभी को जीने का अधिकार दिया और उन्होंने संविधान लिख करके एक देश में मिसाल कायम की और आम जनता पर एक छाप छोड़ी और आम जनता को जीने के अधिकार सिखाए। इसीलिए आज हम बाबा साहब अंबेडकर जी पर जो आए हैं फूल अर्पित किए हैं, इनको याद किया है और मैं तो सभी हरियाणा वासियों और देशवासियों को ये बाबा साहब की के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय। आज हम सभी इंडियन नेशनल लोकदल के साथी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के निर्माता है, उनके 130वें जन्म दिवस पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम सब के लिए एक यही प्रेरणा है, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, पूरे समाज को दिखाया है, जो हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार उन्होंने दिया है और जो रास्ते उन्होंने दिखाए हैं, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्चा जन्मदिवस वही है जब हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आज के दिवस की हम सभी करनाल वासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर सभी इकट्ठे को उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, उनका जन्मदिवस मनाने आए। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी किसी एक समाज के नहीं थे, सभी के समाज के लिए, सभी समाज के लिए उन्होंने उनके उत्थान के लिए काम करने का काम किया था और संविधान निर्माता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश उस संविधान के ऊपर चल रहा है और उसका अनुपालन कर रहा है। मैं तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज बधाई देता हूँ।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।